कुंद कुंद आचार्य देव के चरण कमल में करूं नमन। कुंद कुंद आचार्य देव की वाणी उर धरूं सुमन। कुंद कुंद आचार्य देव की भाव सहित करके पूजन, निज स्वभाव के साधन द्वारा मोक्ष प्राप्ति का करूं यतन। परिणामो बंधो परिणामो मोक्षो करूं आत्मदर्शन। सिद्ध स्वपद की प्राप्ति हेतु मैं निज स्वरूप में करूं नमन। ओम ह्रीम श्री कुंद कुंद आचार्य देव चरणाग्रेषु पुष्पांजलिं क्षिपेत्। समय सार वैभव के जल से उर में उज्ज्वलता लाऊं, दंसन मूलो धम्मो सम्यक दर्शन निज में प्रगटाऊं। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण पूज निज को जाऊं, सब सिद्धों को बंधन कर दूं अचल सुअनुपम गति पाऊं। ओम ह्रीम श्री कुंद कुंद आचार्य देवाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामी स्वाहा। समय सार वैभव चंदन से निज सुगंध को विकसाऊं, वत्थु सहावो धम्मो सम्यक ज्ञान सूर्य को प्रगटाऊं। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण पूज निज को ध्याऊं, सब सिद्धों को बंधन कर द्रुप अचल सुअनुपम गति पाऊं। ओम ह्रीम श्री कुंद कुंदाचार्य देवाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामी स्वाहा। समय सार वैभव के उत्तम अक्षत गुण निज में लाऊं, चारितम खलु धम्मो सम्यक चारित रथ पर चढ़ जाऊं। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण पूज निज को जाऊं, सब सिद्धों को बंधन कर दूं अचल सुअनुपम गति पाऊं। ओम ह्रीम श्री कुंद कुंदाचार्य देवाय अक्षय पद प्राप्त है अक्षितान निर्वपामी स्वाहा। समय सार वैभव के पावन पुष्पों में मैं रम जाऊं, धारम पूजा मुख सावय धम्मो शील सुगण पाऊं। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण पूज निज को जाऊं, सब सिद्धों को बंधन कर दूं अचल सुअनुपम गति पाऊं। ओम ह्रीम श्री कुंद कुंदाचार्य देवाय कामान विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामी स्वाहा। समय सार वैभव के मन भावन नैवेद्य हृदय लाऊं, जो जान दियरिहंतम निज्ञायक स्वभाव आश्रय पाऊं। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण पूज निज को ध्याऊं, सब सिद्धों को बंधन कर दूं अचल सुअनुपम गति पाऊं। ओम ह्रीम श्री कुंद कुंद आचार्य देवाय क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामी स्वाहा। समय सार वैभव के ज्योतिर्मय दीपक उर में लाऊं, दंसन भट्टा भट्टा मिथ्या मोहित मिर हर सुख पाऊं। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण पूज निज को ध्याऊं, सब सिद्धों को बंधन कर दूं अचल सुअनुपम गति पाऊं। ओम ह्रीम श्री कुंद कुंदाचार्य देवाय
मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। समय सार वैभव का शुचिमय ध्यान दुपुर में ध्याऊं, व्यवहारो भूयतो निश्चय आश्रित हो शिव पद पाऊं। कुंद आचार्य देव के चरण पूज निज को ध्याऊं, सब शीतों को वंदन कर दूं अचल सुअनुपम गति पाऊं। ओम ह्रीम श्री कुंद कुंदाचार्य देवाय अष्टकर्म विद्वंसनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। समय सार वैभव के भव्य अपूर्व मनोरम फल पाऊं, नियमम मुख उवायो द्वारा महामोक्ष पद प्रगटाऊं। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण पूज निज को ध्याऊं, सब सिद्धों को वंदन कर दूं अचल सुअनुपम गति पाऊं। ओम ह्रीम श्री कुंद कुंदाचार्य देवाय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामीति स्वाहा। समय सार वैभव का निर्मल भाव अर्घ में लाऊं, अहमिक को खल शुद्धो चिंतन कर अनर्घ पद को पाऊं। कुंद कुंद आचार्य देव के चरण पूज निज को ध्याऊं, सब से दो को वंदन कर दूं अचल सुअनुपम गति पाऊं। ओम ह्रीम श्री कुंद कुंद आचार्य देवाय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। मंगलमय भगवान वीर प्रभु, मंगलमय गौतम गणधर, मंगलमय श्री कुंद कुंद मुन, मंगल जैन धर्म सुख कर। कन्नड़ प्रांत बड़ा दक्षिण में कुंड कुंड सा ग्राम अपूर, कुंद कुंद ने जन्म लिया था 2000 वर्षों के पूर्व। 11 वर्ष आयु थी जब तुमने स्वामी वैराग्य लिया, श्रेष्ठ महाव्रत धारण करके मुनिपद का सौभाग्य लिया। एक दिवस जंगल में बैठे घोर तपस्या में तेली, कंचन सीकाया तप दीदी आत्मज्ञान में दे तल्ली। उसी समय एक पूर्व जन्म का मित्र देव व्यंतर आया, देख तपस्या रत भू पर श्रद्धा से मस्तक नाया। ज्ञान पूर्ण होने पर मुनि ने जब अपनी आँखें खोली, देखा देव पास बैठा है, बोले तब हित मित बोली। धर्म वृद्धि हो, धर्म वृद्धि हो, धर्म वृद्धि हो, तुम हो कौन हर्षित पुलकित गद गद होकर, तोड़ा तब व्यंतर ने मान। नमस्कार कर भक्ति भाव से पूर्व जन्म का दे परिचय, पिछले भव में परम मित्र से क्षमा करे मेरी अभिनय। सीमंदर स्वामी के दर्शन को भी देह भू जाता हूँ, यही प्रार्थना चले आप भी नम्र विनय मन लाता हूँ। इच्छा साकार हुई मुनिवर ने स्वर्ण समय जाना, बोले सृजन वाणी सुनकर मुझे लौट भारत आना। मुनि को साथ लिया उसने आकाश मार्ग से गमन किया, तीर्थंकर सर्वज्ञ देव को जा विदेह में नमन किया। श्रीमंदर के शंभव चरण को देखा मन में हर्ष आए,
जन्म जन्म के पातक शयकर अनुपम ज्ञान रस पाए। सीमंदर प्रभु के चरणों में झुक कर किया विनय वंदन, प्रभु की शांत मधुर छवि लख कर धन्य हुए भारत नंदन। प्रभु से प्रश्न हुआ लघु मुनि पर, कौन कहाँ से आए हैं? गिरी देव धनि कुंद कुंद मुनि भरत क्षेत्र से आए हैं। मंदिर ने दिव्य ध्वनि में कुंद कुंद का नाम लिया, भव के अग्रस्त हो गए मुनि ने विनय प्रणाम किया। विनयी होकर कुंद कुंद ने निज वाणी का पान किया, अष्ट दिवस रहे चमक शरण में द्वाद शांत का ज्ञान लिया। अक्षय ज्ञान उदधि में भर और हृदय प्रभु हृदय में प्रभु का नाम, सीमंदर तीर्थंकर प्रभु को करके बारंबार प्रणाम। फिर विदेश से चले और नवपद से भारत में आए, तीर्थंकर वाणी का सागर मन मंदिर में लहराए। जो सुनकर आए जिन वाणी फिर उसको लिपि रूप दिया, जगत जीव कल्याण करे निज ऐसा शास्त्र स्वरूप दिया। राग मात्र को हे बताया उपादेय निज शुद्धातम, भाव सुभाषुभ का अभाव कर होता चेतन परमातम। समय कार में निश्चय नय का पावन में संदेश भरा, श्री पंचास्ती काय को रच कर द्रव्य तत्व उपदेश भरा। प्रभु संसार बनाया तुमने वेद ज्ञान को बतलाया, मूलाचार लिखा मुनि जन साधु मार्ग को दर्शाया। नियम सार की रचना अनुपम नयन सार भूखा चितला, लघु सामायिक पाठ बनाया लिखा सिद्ध प्राप्त सुखदाय। श्री अष्ट पाहुड़ तट प्राप्त द्वादश अनुपेक्षा के बोध, चौरासी पाहुड़ लिखे जो अज्ञात नहीं हमको अनमोल। ताड़ पत्र पर लिखे ग्रंथ तब सफल हुई चिर अभिलाषा, जन जन की वाणी कल्याणी धन्य हुई प्राकृत भाषा। जीवों के प्रति करुणा जागी मोक्ष मार्ग उपदेश दिया, और तपस्या भूमि बनाकर गिरी कुंदादि पवित्र किया। अमृत चंद्राचार्य देव की टीका आत्मख्याति विख्यात, पद्म मलधारी देव की टीका नियम सार प्रख्यात। श्री जय सेनाचार्य रचित सात्वर व्रत टीका पावन, श्री आनजी स्वामी के भी अनुपम समय सार प्रवचन। पद्म नंदी गुर वक्र ग्रीव मुन एलाचार आपके नाम, गृत पृच्छ आचार यति कुंद कुंद के गुण के धाम। हे आचार्य आपके गुण वर्णन करने की शक्ति नहीं, पद पर चले आपके ऐसी तो अभी विरक्ति नहीं। भक्ति सुमन भक्ति विनय के सुमन आपके चरणों में अर्पित हैं देव, भव्य भावना यही एक दिन मैं सर्वज्ञ बनु स्वयमेव। जीवादि सद्धर्म सम्मतम प्रभु करूं प्रणाम,
इन चरणों की पूजन का पद पाऊं सिद्धपुरी का धाम। ओ जीवादि सद्गणं संपत्तं पाऊं प्रभु करूं प्रणाम। इन चरणों की पूजन का पद पाऊं सिद्धपुरी का धाम। ओम ह्रीं श्री कुंद कुंदाचार देवाय अनर्घपत प्राप्तये अर्घम निर्वपामीदि स्वाहा। कुंद कुंद मुनि के वचन भाव सहित उर्धार। निज आत्म जो ध्यावते पाते ज्ञान अपार। पुष्पांजलिं क्षिपे